हेलो दोस्तों, एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की फर्स्ट करंट अफेयर है, यूनियन कैबिनेट ने MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी किया है खरीफ फसलों के लिए। MSP को कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस निकालता है। इस बार सबसे ज्यादा MSP में वृद्धि हुई है तिल में 452 रुपये पर क्विंटल की वृद्धि हुई है। उसके अलावा तूर और उड़द की दाल में भी 300 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि हुई है। MSP 22 प्लस एक फसलों का होता है, मतलब 23 फसलों का। 22 तो हमारा रबी और खरीफ की फसल होते हैं, एक हमारा होता है गन्ने की फसल जिसका FRP होता है, जिसके लिए 1966 में एक ऑर्डर आया और मिल मालिकों को 14 दिन के अंदर गन्ने के पैसे देने होते हैं। इस बार धान का MRP है 1940 रुपये, जो पहले 868 था। ज्वार का है 2738 रुपये, जो पहले 2620 था। बाजरा का है 2250, पहले 2150 था। मक्का का है 1870 रुपये, पहले 1850 रुपये था। सेकेंड न्यूज़ हमारी, फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त किया है इंडिया के लिए, क्योंकि अभी जो नया IT रूल्स 2021 आए हैं उनके तहत उसमें ये भी रूल है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नए ग्रीवेंस ऑफिसर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होगी ताकि यूज़र अपनी शिकायत दर्ज करा सके। शिकायत को 24 घंटे के अंदर एक्नॉलेज कर 15 दिन के अंदर सॉल्व करना होता है। फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। इसके अलावा व्हाट्सएप ने भी परेश बी लाल को ग्रीवनेस ऑफिसर नियुक्त किया है। भारत पे ICC के 2023 तक के ऑफिशियल पार्टनर बन चुका है। ICC इवेंट 2023 तक भारत पे प्रमोट करेगा और ब्रॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मिलके। भारत पे के CEO हैं एशनी ग्रोवर, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, स्थापना हुई थी 2018 में। अगर हम बात करें ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसके हेड है ग्रेग बर्कले। ग्रेस एक रोबोट है जिसे हांगकांग चाइना ने बनाया है। यह COVID-19 के पेशेंट की देखभाल करने के लिए बनाया गया है। यह बिल्कुल एक नर्स की तरह बनाया गया है और नर्स की तरह ही यह ड्रेसअप है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर पेशेंट को डायग्नोस करेगी और इंग्लिश, मंदारिन और कॉन्टनीज भाषा का प्रयोग करके उनसे बात करेगी। कोरपैट एक नेवी एक्सरसाइज है जो इंडिया और थाईलैंड के मध्य आयोजित होती है। यह इस एक्सरसाइज का 31वां संस्करण है जो अंडमान सागर में आयोजित हो रहा है। इंडिया की ओर से INS सरयू और थाईलैंड की तरफ से STMS करबिक ने भाग लिया है। क्री क्रू यह एक क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट है जिसे वीरेंद्र सहवाग ने लॉन्च किया है। यह इंडिया की पहली AI एनेबल्ड कोचिंग वेबसाइट है जिस पर यंगल प्लेयर्स के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दिहिंग पटकोई यह असम का 7वां नेशनल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। इसे दिहंग पटकई रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। यहाँ एंडेंजर्ड स्टेट बर्ड व्हाइट विंग्ड वुड डक भी मिलती है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में है। असम के गवर्नर हैं जगदीश बुकी, CM हैं हिमंत बिश्व शर्मा। पैन पिंटर प्राइज 2021 जिम्बाब्वे की नॉवलिस्ट तित्सी डांग रेमका को मिला है। इन्हें 2020 के बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। 2009 से पेन पिंटर प्राइज स्टार्ट हुए हैं। यह नोबल लॉरिएट प्ले राइटर होल पिंटर की याद में दिए जाते हैं। डिंको सिंह का निधन हो गया है। इन्होंने 1998 के जो बैंकॉक में एशियन गेम्स हुए थे उसमें बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता था। यह मणिपुर से बिलोंग करते हैं और 2013 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अभी जो हमारे रिसेंटली एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें संजीत और पूजा रानी ने गोल्ड मेडल जीता है। संजीत ने 91 kg के अंदर और पूजा रानी ने 75 kg के अंदर। नेशनल अवार्ड विनिंग बंगाली फिल्म मेकर बुद्धा देव दास गुप्ता का निधन हो गया है। दास गुप्ता की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स हैं जैसे बाग बहादुर, फेरा, ए पेंटर ऑफ एलोकेंट साइलेंस आदि। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड क्यूज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।